आइए नाज़रीन, आज हम आपको चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो प्लेन फ्लावर है यानी कि मैदा, बेकिंग सोडा है बाइकार्ब सोडा, 2 eggs लिए हैं, 1/2 teaspoon हमने सॉल्ट का लिया है, बटर की 1 cube ली है, वनीला एसेंस लिया है, 1.5 cup शुगर लिया है जिसमें 1 cup रॉ शुगर है और 1/2 cup वाइट शुगर है। चॉकलेट चिप ली है हमने, ये करीबन हमको 1.5 to 2 cups चाहिए होंगी। 1.5 cup शुगर हमने बोल में डाल दी है, दोनों ही मिला लेनी है और ये हमारे पास बटर है, करीबन ये 1 cup होगा। इसको हमने 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा है, उससे ये है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। शुगर और बटर को हमने बीट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है केक की तरह, बस थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो उसमें 2 eggs जो हैं, 2 अंडे वो ऐड कर दें, 1 teaspoonful हमने वनीला एसेंस डाला है, आप चाहें तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, वो हमें पर्सनली ज़्यादा पसंद है। 1/2 teaspoon हमने इसमें सॉल्ट का डाला है और इसको फिर हमने बीट कर लेना है। इसमें अब हमने 1 cup full जो है वो प्लेन फ्लावर का डाला है यानी कि मैदे का, और 3/4 teaspoon हमने बाइकार्ब सोडे का डाला है, इसको हमने छान लेना है और इसके बाद हमने इसमें 1 और cup जो है वो प्लेन फ्लावर का डाल देना है, इसको भी हमने छान लेना है। उससे ये है कि बहुत इवनली आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, वो काफ़ी हैवी हो जाता है मिक्स करना मशीन से, तो मशीन की मोटर जल सकती है, आप इसको स्पैचुला से ही मिक्स करें। इसमें अब हमने चॉकलेट चिप डाल देने हैं, 1.5 cup से 2 cups तक आप इसमें चॉकलेट चिप जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अगर चॉकलेट चिप आपने ज़्यादा ऐड करने हैं तो शुगर सारी ना डालें, उसमें से 1/2 cup जो है वो कम कर दें। अब हमने एक आइसक्रीम का स्कूप लिया है और उससे हमने छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इसके डो के वो एक बेकिंग पेपर पर रख लेने हैं, और फासला हमने उनका अच्छा खासा रखना है क्योंकि इन्होंने फैलना है तो ये जुड़ जाएंगी, और 190 degrees पे हमने इसको 10 मिनट्स के लिए रखना है। अगर ये लाल ना हुई 10 मिनट में तो हम इसको 2 मिनट के लिए और रखेंगे, यानी कि टोटल हमको 12 मिनट्स लगे हैं इन कुकीज़ को तैयार करने में। हर ओवन अलग है, आप अपने हिसाब से देख लें, देखते रहें, जब ये थोड़ी सी गुलाबी होने लगें जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं तो उस वक्त आप अपना ओवन जो है वो ऑफ कर दें। बेहतर ये होता है कि कुछ देर ओवन ऑफ करने के बाद भी ये ओवन में रखी रहें और उसके बाद आप इनको ओवन से निकाल कर ठंडा होने दें। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे जो हैं वो इन कुकीज़ को बहुत पसंद करते हैं और बाज़ार से ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं बनिस्बत घर में बनाने के। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।